छह लोगों की हत्या में माँ बाप बेटा बेटी सब मारे गए, दंग रह गए लोग। बुलडोजर बाबा की फजीहत लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप। देवरिया के हत्याकांड में यादव और ब्राह्मण परिवारों में हुए नरसंहार का जिम्मेदार कौन? अखिलेश ने मांगा जवाब तो बाबा ने कर दिया बड़ा ऐलान। देवरिया हत्याकांड के 16 आरोपियों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर, देखते रह गए अखिलेश यादव। आखिर प्रेमचंद यादव के परिवार का क्या होगा? प्रेमचंद के परिवार वालों ने हमला कर सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी की लाठी डंडे से और गोली से मारकर उनकी हत्या कर दी। रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में सोमवार को हुई सामूहिक हत्याकांड में 16 लोगों को नामजद कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अभी 11 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। फतेहपुर गांव में पहुंची रेवेन्यू विभाग की टीम ने प्रति खलियान और ग्राम समाज की भूमि के साथ साथ हत्यारोपितों के मकान की पैमाइश भी कर ली है। प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद दुबे परिवार का मर्डर कई घंटों की छानबीन के बाद अवैध निर्माण के बारे में पता चला। वहां प्रशासन की बुलडोजर चलाने की तैयारी चालू है। पुलिस प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई का डर इतना है कि आसपास के तमाम उपद्रवी घर छोड़कर दूर भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि फतेहपुर गांव में सत्यप्रकाश दुबे और पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के बीच जमीन के विवाद को लेकर काफी दिनों से विवाद छिड़ा हुआ था। सोमवार की सुबह प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई। उसके बाद मृतक परिवारजनों ने सत्यप्रकाश के घर पर हमला बोलकर पूरे परिवार को मार डाला। मृतक के परिवार वालों ने लाठी डंडे से की थी हत्या। प्रेमचंद्र के परिवार ने हमला कर सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी की लाठी डंडे और गोली मारकर हत्या कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गृह मंत्री, सचिव, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था हेलीकॉप्टर से तत्काल प्रभाव देवरिया पहुंचे और घटना के बारे में गहराई से इसकी जांच की। पुलिस टीम ने मंगलवार को प्रेमचंद्र के भाई, परिवार और रिश्तेदार समेत 16 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये उन 27 लोगों में शामिल हैं जिनके विरुद्ध सत्यप्रकाश की बेटी सुशोभिता ने मुकदमा दर्ज करवाया है। 3 मकानों को अब तक चिन्हित कर उस पर बुलडोजर चलाने की हो रही है तैयारी। बता दें कि देवरिया में सदर की अतिरिक्त उप जिलाधिकारी सीमा पांडे की अगुवाई वाली टीम सुबह करीब 10 बजे फतेहपुर गांव में पहुंच गई। प्रेमचंद के मकान की स्थिति देखी, खतौली में उनका मानचित्र देखा और साथ ही उसका मिलान किया। सूत्रों के अनुसार अब इसे अवैध करार घोषित कर दिया गया है। प्रेमचंद के अलावा 15 हत्यारोपितों की जमीनों को भी पहचान कर ली गई है और जांच उसकी चल रही है, जिसमें 3 मकान अवैध निर्माण चिन्हित हुए हैं, जहां पर प्रशासन की टीम बुधवार को बुलडोजर चला सकती है। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पर, जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाले एक्शन पर आपकी क्या है राय, कमेंट में भी राय जरूर दीजिए।